भारती जी, हर किसी का कहना है कि 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो आड़े आएगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार है जिसका मेजॉरिटी लोकसभा में तो है ही, राज्यसभा में भी है, उन्हें इस एक्ट को हटा देना चाहिए? नहीं, ये एक्ट आड़े नहीं आएगा। आप सर्वे की रिपोर्ट आने दीजिए ना, तो सब प्रमाणित हो जाएगा कि एक्ट आड़े नहीं आ रहा है। क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में आई नहीं, और कोर्ट ने उस पर अपनी टिप्पणी नहीं दी है, इसलिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। इसमें एक्ट आड़े नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरा, मेरा ये कहना है कि लोग भूल गए हैं का इतिहास को, कि यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी संशोधन करके, इस देश में पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, और फिर इमरजेंसी हटाई भी गई थी, और ये तय हुआ था कि अब इमरजेंसी नहीं लग पाएगी। एक्ट लोगों के लिए होते हैं, लोग एक्ट के लिए नहीं होते हैं। देश का बलिदान नहीं होता है एक्ट के लिए, एक्ट का बलिदान होता है देश के में शांति सद्भावना के लिए, और कानून को और संविधान को स्थापित करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव कहते हैं हमारी देश में ऐसी प्रथा है कि कोई पत्थर रख दो, कोई डंडा लगा दो और लाल झंडा लगा दो तो मंदिर बन जाता है। ऐसा ही मंदिर मिला है शायद ज्ञानवापी में, उनको आप क्या जवाब देंगे? अखिलेश की एक बात तो सत्य है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन आस्था के केंद्र विशेष होते हैं। जैसे पानी में सब जगह पर बिजली होती है, लेकिन पानी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट कहीं कहीं होता है। तो भगवान तो वैसे कण कण में व्याप्त होते हैं, लेकिन जो आस्था के आराधना के कुछ विशेष केंद्र होते हैं, और वो करोड़ों साल से वो केंद्र बने रहते हैं। जहां तक अखिलेश की बात है, देखिए अखिलेश को लोगों ने, ये अखिलेश का मैक्सिमम है जो अभी अखिलेश को मिला है, इन्हीं बातों के कारण, इसी हल्केपन के कारण। और इनको बहुत लंबे समय तक, ये बात मैं आपको बताऊं, मैंने पार्लियामेंट में रामायण की एक चौपाई बोली थी जिस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार गिरी थी, कि राम विमुख हाल तुम्हारा, कि रहे न कुल रोवनहारा। जो राम का विरोध करेगा उसका यही हाल होगा कि उसके कुल में भी कोई रोने को नहीं बचेगा। अखिलेश ने ऐसी हल्की बातें कर करके ही तो अपनी पार्टी की स्थिति कर दी है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये तो हिंदुओं की विशेषता है कि जहां झंडा लग जाए, जहां सिंदूर लग जाए, वो वहां मत्था टेक देते हैं, मजारों पर जाकर के मत्था टेक देते हैं, दरगाहों पर जाकर के मत्था टेक देते हैं, लेकिन उस स्थान की तुलना काशी विश्वनाथ के साथ नहीं हो सकती है। ये तो पावर प्रोजेक्ट है जिससे सारे वो विश्व के नाथ के विश्वनाथ का मंदिर है वो तो, और इतने हल्केपन से उस बात को कहना, ये अखिलेश के अगंभीर अपरिपक्व स्वभाव का प्रतीक है। उमा भारती जी, जाने से पहले बस एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। 1991 की कांग्रेस पार्टी जिसने ये बिल पास किया था, और आज की कांग्रेस पार्टी जो शिवलिंग जैसी आकृति जिसमें मान्यता है सारे हिंदुओं की, उसको कह रही है कि ये फव्वारा है, कोई फर्क नजर आता है तब की और अब की कांग्रेस में? बिल्कुल नहीं। इनने तो सिर्फ सत्ता उन्मुखी राजनीति की है और विभाजन की राजनीति की है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के नाम पे इन्हीं ने करवाया ना, कांग्रेस पार्टी ने। मोदी जी तो तब पैदा ही नहीं हुए थे, मेरे जैसे लोग तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। इनने ही कार सेवकों पर गोली चलाने का समर्थन किया था पूरी तरह से, मुलायम सिंह का। इन्हीं लोगों ने जब रामलला प्रकट हुए तो ताले लगवा दिए थे वहां पर। तो इनने तो हमेशा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को और देश को विभाजित करके रखा है, और इसलिए कांग्रेस की तो मानसिकता ही एक अंग्रेज के द्वारा स्थापित है ना, कांग्रेस पार्टी। तो अंग्रेजों का इस देश में क्या था, डिवाइड एंड रूल, और ये कांग्रेस का भी रहा, और अब डिविजन हो नहीं पा रहा है, तो दे आर रूल्ड ओवर, फिनिश्ड, खत्म हो गए बेचारे ये लोग, किसी में खत्म हो गए फिर।